चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एम्बेसडर कैम खिलास डिस्टिंग डेलीगेट्स गेस्ट खातिन वजरा कराची शहर का आदमी हूँ कराची यूनिवर्सिटी से बड़ी पुरानी uh, कभी पढ़ा नहीं यहाँ पर मगर एक वस्तगी है उसके ऊपर फख्र करने वालों में से हूँ और उन लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूँ जिन्होंने इसको इनविजेज किया था और एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा इसके लिए एलोकेट किया ताकि यहाँ पर इल्म के अतबार से तामीर होती रहे और अल्लाह का फज़ल है कि बहुत सारी चीज़ों में आप यूनिक अंदाज से चल रहे हैं कुछ आपने खुद बयान फ़रमाई और लाखों लोगों को आपने इस यूनिवर्सिटी से इल्म के मामले में मुस्त, मुस्तफीस किया आज का जो मौजू है वो तकरीबन ऐसे हालात पैदा हो रहे थे बड़ा ज़रूरी सही कैफियत है जिसका मैं जिक्र करूँ कि आपने जिक्र किया कि टॉलरेंस तो आज सारे दिन हमें तरबियत दी गई कि टॉलरेंस मत करो होनी नहीं चाहिए अच्छा आप लोग तो समझदार हैं आप तो इससे इसके मनफी असर से चीज़ों को अपने दिलों में महफूज नहीं करेंगे मगर जो उभरती हुई जनरेशन है जो यूथ हैं वो इसी चीज़ को देखेंगे इन्हीं इमेजेस को एडॉप्ट करेंगे ये हो नहीं सकता कि म और ज़्यादती का माहौल हो और सिर्फ़ और अक्सरियत इंसाफ की बात करें नहीं हो सकता इसमें आइलैंड्स निकल आएंगे इंसाफ की ख्वाहिश के साथ मगर अक्सरियत वो सीखेगी जो हो रहा है और यही चीज़ आपने देखी कि पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो जस्तजू करने की कोशिश की वे कि मुझे सबसे बुरी चीज़ बेईमानी और करप्शन लगता था मैंने सेवेंटीज़ uh, के अंदर आई हैड बिकम अ डेंटिस्ट इन 1970 जब से मैंने ये सोचा कि इसके ख़िलाफ़ uh, जंग करनी है क्यों मुझे ख्याल ये हुआ मुमकिन है बिल्कुल ही गलत हो मगर उसका आंसर ज़रूर था मुझे ख्याल ये हुआ कि मश्रकी पाकिस्तान की हमसे दूरी जो है उसमें इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल करप्शन भी शामिल था तो लिहाजा मैंने अपनी सियासत के हवाले से कोशिश यही की कि, कि इस चीज़ को पकड़ने का इंदि करूँ बहुत सारे ऑप्शनज़ आए आ, कराची का शहरी हूँ तो आपको बता भी सकता हूँ कि मैंने सेवेंटी फ़ाइव में मास्टर्स किया मिशिगन से जो जब कराची आया तो मैंने दरख्वास दी मेरे वालिद साहब हयात थे उनकी भी ख्वाहिश थी कि एक डेंटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो जिसमें प्रॉफिट मेकिंग कार खैर हो आ, के, के अंदाज से लोगों को लिया जाए तो मैंने सेवेंटी फ़ाइव में अप्लाई किया मुझे मालूम था कि नहीं हो सकता मगर अप्लाई किया बड़ी तफसील से प्लान दिया मगर उस ज़माने में सरकार उसकी इजाज़त नहीं देती थी तो 1988 में जब जयाला साहब का प्लेन क्रैश हुआ एन एडिशन टू द नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव नेवर इन्वेस्टिगेटेड कीप दैट इन माइंड ये पा ये मुल्क जो है इसके अंदर बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं जिनके नीचे जाकर पकड़ने की हमने ना कोशिश की ना हमारी सलाहियत थी पर्दा डालते रहते हैं तो उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई तो तारिक सहेल साहब यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर बने और तारिक सोहेल साहब ने सबसे पहली परमिशन जो दी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की वो मुझे दी क्योंकि माई एप्लीकेशन वॉज दी ओल्डेस्ट बट बाईट दैट टाइम ये मैं आपसे इस वजह से कह रहा हूँ कि प्रायरिटीज़ मैं एक इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन करने की कोशिश करता हूँ और इसी हवाले से आपसे गुफ्तू करूँगा मैंने ये प्रायरिटी तय की कि जो मेरा जोश और जज्बा था मास्टर्स करने के बाद वो तेरह साल के अंदर उसको इस मुल्क के हालात ने उस तलीम के जज्बे को तकरीबन ख़त्म कर दिया और मुझे ये ख्याल हुआ कि मैं एक आइलैंड बनाऊंगा और नतीज और है ये कि गवर्नमेंट के काम जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी दरारें डाल रहे हैं माशरे के अंदर कि मैं एक छोटे से क्रैक को भरूंगा और मीन वैल निन्यानवे क्रैक और हो जाएंगे तो मैंने उस चीज़ को पिकअप नहीं किया डिस्पाइट माई फैमिली टेलिंग मी कि उसको उठा लो मगर मैंने अपने अंदर वो सलाहियत और जज्बा उस वक्त मैं नहीं पाया मैंने कि मैं उस तरफ मेहनत करूँ मैं आपको इस वजह से ये बता रहा था कि आपने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ बात की होगी और आपने इस बात का ज़िक्र किया कि जी सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर मुल्क के अंदर की सिक्योरिटीज़ का और जो माह है हमारा जिसको हम सोशल पैक कॉम्पैक्ट जो आइन हमें देता है वो माहा और एक्सटर्नल डिफेंस फ्रॉम और इंटरनेशनल अंदाज़ से हमारा रोल क्या होना चाहिए तो वो मैं अगर इंटरनेशनल पैराडाइम को थोड़ी देर के लिए एक तरफ़ रख दूं क्योंकि आपका कीमती वक्त बहुत महदूद होगा मैं उसको छोड़कर असल चीज़ की तरफ जाऊं तो बैठे बैठे मुझे ख्याल हो रहा था और मैं इतने दिनों से कोशिश ये कर रहा हूं कि जहां से बीमारी चल रही है उसको पकड़ें मुझे आज तक याद है आप किसी हकीम के पास कभी बीमारी लेकर जाएँ तो हकीम साहब के सीधे-सीधे दो-चार सवाल होते थे सबसे पहले वो आपके हाजमे का पूछते थे कभी डॉक्टर नहीं पूछता इस अंदाज से ना हकीम साहब पूछते थे हाजमे का क्या कैफियत है क्योंकि वो बिलीव ये करते थे कि बहुत सारी बीमारियां हाजमे की खराबी से शुरू होती हैं इसी तरह से मैं भी ये समझता हूं कि यिन और यांग इसी तरह से मैं ये भी समझता हूं कि स्पिरिचुअल बैलेंस इंसान में हो या नहीं हो अगर नहीं होगा तो किस तरफ जाएगा उसके अंदर सुकून नहीं है तो किधर जाएगा तो स्पिरिचुअल रूट्स हैं बी, बीमारियों के अंदर अगर इम्यूनिटी फेल होने लगे तो हर बीमारी अफेक्ट करती है और हर बीमारी के पीछे भागने के बजाय ये कोशिश हो सकती है कि अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें ताकि बीमारियों का मुकाबला हो और जब मैं बीमारियों पर हूँ तो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर ये होना चाहिए कि सेहतमंद कौम हो चाइना ने अगर फोकस किया तो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा किया चाइना जब कम्युनिज्म से निकलने लगा 88 में 1988 का ज़माना या पचासी का ज़माना तो तीन चीज़ें हुई जो इकोनॉमिस्ट को मैं चाहता हूँ कि मैंने समझा मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ मैंने एक सब एक बात ये समझी कि ये जो कैफियत है ओनरशिप की ये चाइना में इस तरह से हुई कि जिस जगह पर तुम काम करते थे उसका तुम्हें हिस्सा मिल गया जिस फैक्ट्री में तुम काम करते थे उसका हिस्सा मिल गया हर एक मालिक बना जिस घर में तुम रहते थे उसकी मिलकियत मिली तो अचानक पूरा चाइना का 50% परसेंट ओनरशिप पर आ गया तो लिहाजा वो जो स्पिरिट इकोनॉमिक स्पर्ट आया चाइना के अंदर वो लोगों ने उसका जिक्र नहीं इकोनॉमिक पॉलिसी का जिक्र किया मगर मैं समझता हूँ कि कौमों के अंदर कौमों के मिजाज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कौमों को अगर ये महसूस हो जाए कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है तारक बिन ज़्यादा अगर किश्तियाँ चलाता है तो वह सिम्बॉलिकली अपने ग्रुप को ये कह रहा है कि यू हैव नो चॉइस वैन यू हैव नो चॉइस देन यू आर ऑब्लिगेटेड टू पिक अप व चॉइस यू हैव तो लिहाजा उसने तालीम और सेहत के ऊपर फोकस किया और सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डायग्रेस ना हो जाऊँ मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ओनरशिप आई मईत के अंदर वो फ़र्क पड़ा और तलीम और सेहत पर उसने इतना फोकस किया और मैं आप लोगों से कहता हूँ क्योंकि आप हैं एलिट आज मेरी तकरीर आपके लिए है ये बड़ा आसान होगा मेरे लिए कि मैं पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम करूं, मैं किसी सियासी जमातों को ब्लेम करूं, मगर ये मेरे लिए सबसे बड़ी कोशिश ये है कि आप ही के साथ आप ही के दिमागों के साथ इंटरेक्ट करूं और जो आप कर रहे हैं उसके अंदर प्रायोरिटीज़ के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ेंगी मैंने ये एक कैफियत है इंसानी कैफियत कि आदमी अपने ख्यालात को बदलता बड़ी मुश्किल से है जो यहाँ पर चार अफराद बैठे हैं और मैं पाँचवा हमारे ख्याल के मुतल अगर पिछले चार पाँच साल दस साल की आप हमारी ट्वीट से जो कुछ भी देख लें तो आप देखेंगे फ़िक्स्ड ख्याल तो मैं बहुत परेशान हुआ इस बात से कि ऐसी क्या कैफियत है कि मेरे ख्याल मेरे दिमाग में अटल हो गए तो मैंने इस बात को प्रूव किया सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि जब आप टॉलरेंस की बात करते हैं तो दूसरे की बात समझने से क्यों बजिद हो गए हैं कि मैं जो कह रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ वही सही है तो मैं एक किताब को आपको रेफर करता हूँ वो थिंक अगेन शायद आ, क्या नाम है उसके ऑथर एडम ग्रांट की तो मैंने उस किताब को सिर्फ इसलिए पढ़ा कि मैं अपने आप को सोचूं कि वाई माई स्टक टू आइडियाज़ वाई कॉन्ट आई चेंज दुनिया बदल रही है मैं नहीं बदल रहा ये कैसे हो सकता है तो उसके अंदर से दो चीज़ें मैं उठाना चाहता हूँ आपके लिए सिर्फ वो बिल्कुल सही एक तो उसने ये कहा कि जब तक तुम किसी चीज़ पर फैसला ना करो तो एक स्पंज की तरह इंफॉमेशन एब्ज़ॉर्ब करो और उसमें एक ह्यूमिलिटी का अख्तियार करो ये नहीं कि मुझे मालूम है अच्छा ये आप उस हैं तो आप जानते हैं मगर आम फहम आम जगहों पर ये कैफियत लोगों की नहीं होती कि ह्यूमिलिटी हो लर्निंग के मैंने कोई फैसला करना है फैसले के बाद मैं सख्त हो सकता हूँ बस जब तक मैं फैसला नहीं करूँ तो आई शुड फील कि यार आई नीड मोर नॉलेज मुझे तो और चीज़ें चाहिए अगर मैं एक एस्पेक्ट से मीशत को देख रहा हूँ तो गरीब के एस्पेक्ट से भी तो देखूँ वगैरह वगैरह मैं मिसाल दे रहा हूँ और दूसरी बात यह है जो बड़े लोगों के लिए जो आप में से मुझ मुझसे लोग जिनको अल्लाह ने ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया जो मैं डिज़र्व नहीं करता ऐसे लोगों के लिए यह है कि ये हमेशा इनको एहसास रहे कि जिन जूतों में तुमने पैर रखा है वो जूते हैं बहुत बड़े एंड यू हैव टू राइज टू that occasion. ओकेजन मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ जिन जगहों पर आपने मुझे भेज दिया है वहाँ क़ायदे अजम भी रहे वहाँ लियाक़त अली खान भी रहे वहाँ बड़े बड़े लोग रहे बड़े ईमानदार और दयानदार भी रहे जो मेरे आइडियल्स हैं तो मुझे यह एहसास हो कि मैं यहाँ इतफ़ाक़ से पहुँच गया वो यहीं के गवर्नर सिंध के फखरुद्दीन इब्राहिम साहब एक दिन बकाई यूनिवर्सिटी में कानवोकेशन एड्रेस कर रहे थे तो मुझे उनकी बात याद है मरूम की उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में ये सोचता हूँ कि मैं इतफाकिया यहाँ तक पहुँचाऊँ मैं छोटा मोटा वकील था लोगों ने कहा कि जी कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं जेल में है महराज मोहम्मद खान फते याब अली ख़ान कराची के नाम होंगे आप लोग पहचानेंगे उनका कौन मुकदमा लड़ेगा वो जेल में तो उन्होंने कहा मैंने उनका मुकदमा लड़ा तो थोड़ा सा मेरा नाम हुआ तो इस तरह से मुझे माशरे के अंदर गुंजाइश पैदा की पैदा हुई तो आई वॉज़ द लकी मैन एट द राइट प्लेस बस तो वहाँ से मैं आ गया आ गया तो हम ये भूल जाते हैं आप में से और मुझ समीत बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर ये कैफ़ियत होती है कि मैं अपनी जस्तू से यहाँ पहुँचाऊँ ऐसी हकीकत होती नहीं है हालात होते हैं और अल्लाह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इतफ़ाक़िया भी खुलती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ खुली कहीं आपका दाखिला हो गया कहीं से कोई प्रेफरेंस हो गई उन सब चीज़ों को भूल भूल कर मैं और आप अपने दिमाग पर फोकस कर लेते हैं कि यही आरिफ अलवी है जो इतना स्मार्ट है कि यहाँ पहुँच गया अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि मैं यहाँ पहुँच जाता तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वेन वी लुक फॉर द रियल इशूज़ ऑफ़ पाकिस्तान तो उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि मुस्तबिल का पाकिस्तान कैसा होगा जो बाहर की डिफेंस है उसके अंदर भी और आजकल का पाकिस्तान के एतवार से मैं आपको कोई बात कहना चाहता हूँ एक तो मैंने आपसे कहा हेल्थ और एजुकेशन और आप लोग क्योंकि टीचिंग साइंसेस से वाबस्ता हैं तो उसके अंदर हेल्थ uh, के प्रॉब्लम्स का आपको अंदाजा होगा यक़ीन हेल्थ के प्रॉब्लम्स ये हैं चाइना ने क्या किया आपको बताता हूँ हेल्थ के प्रॉब्लम्स ये हैं कि पाकिस्तान क्यूरेटिव साइंसेस के अतबार से पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अफोर्ड टू ट्रीट इट्स पीपल तो आप क्या करेंगे फिर यू कॉन्ट अफोर्ड मगर क्योंकि डॉक्टर बनते हैं और इलाज का ही सबसे ज़्यादा चर्चा है तो सारा बड़ा एक्सपेंडिचर क्यूरेटिव हॉस्पिटल्स पे जाता है बड़े बड़े अस्पताल कैट स्कैन और ये वो और नीचे जो गरीब का हाल है जो मेटर्न मोर्टैलिटी का हाल है जो स्टंटिंग का हाल है थर्टी फिगर्स ऑफ पाकिस्तान सम ऑफ यू मे मेंल्सो भी लाइक मी मे बी स्टंटेड थर्टी एट परसेंट ऑफ द पीपल ऑफ़ पाकिस्तान आर एफेक्टेड बाई स्टंटिंग उसका जिक्र ही सुनते हैं आप उसके ऊपर क्या काम होता है उसके ऊपर फोकस कितना है हर चीज़ पर फोकस है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कोई नई बात नहीं कर रहा मैं चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ फोसाए चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ योर प्रायरिटी प्रायोरिटी एंड योर अटेंशन की बात कर रहा हूं सर आई एम नॉट एन आइंस्टाइन देर इज नथिंग न्यू इवन इन द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान वी डोंट नीड आइंस्टाइन वी डोंट नीड अ मेवरिक के कोई आएगा जनाब ये जादूगर है ये हिसाब की किताब आपकी ठीक कर देगा और यू हैप्पीली एवर आफ्टर यू देंट है लाइक दैट इट्स अ नेशनल कमिटमेंट टू थिंग्स जो चीज़ों को बदलता है तो हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने कहा चाइना ने कैसे हैंडल किया बिफोर आई मूव फॉर्वर्ड टू अनदर टॉपिक चाइना के अंदर उन्हें कहा कि यार ये डॉक्टर्स की तादाद तो बड़ी कम है ये पाँच साल का डॉक्टर तो हम पैदा करके लोगों की सेहत का ख्याल ही नहीं रख पाएंगे तो दे डेवलप्ड स्कीम ऑफ बेयर फूड डॉक्टर शायद आप में से किसी को याद हो उन्होंने कहा छह महीने का एक डॉक्टर पैदा करो जो नीचे जाकर लोगों की सेहत का ख्याल रखे दिस इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एजुकेशन के अंदर क्या किया उन्होंने एजुकेशन केडर एक बनाया कंपल्शन किया लोगों बच्चों के ऊपर के बिफोर यू गो इन टू योर अर्निंग स्पेक्ट्रम गो आउट एंड एजुकेट पीपल आपके यहाँ दो करोड़ बीस लाख बच्चे आउट ऑफ एजुकेशन है कहां से आएगी आपकी सिक्योरिटी यार मेरी तो समझ भी नहीं आता आप में से एक भी ये बात कहे कि जी सारी सिक्योरिटी का जिम्मेदार इल्म है आज इल्म के बगैर कौन सी सिक्योरिटी आती है कहां से आएगी सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी एवरी स्टेप यू टेक इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड रिक्वायर्स इल्म एंड यू आर अ नेशन विच इज रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली एज अ नेशन वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड दैट आपको रीजनल कंपैरिजन कर ले आपका मेरा तो दिमाग साफ सही हो जाता है साफ हो जाता है जब मैं रीजनल कंपैरिजन करता हूं जनाब इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका ऑलमोस्ट 98 टू 100 परसेंट चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स पाकिस्तान 68 परसेंट चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स यू हैव गॉन टेरेबली रॉन्ग समवेयर टेरेबली रॉन्ग एंड हुड भी रिस्पॉन्सिबल बट यू पीपल सेटिंग ईयर नॉट द गवर्मेंट्स वो तो बात की बात है मेरे घर को आग लगी है तो मैं बुझाऊंगा ना या कहूंगा कि जी फायर ब्रिगेड नहीं आई फायर ब्रिगेड का तो कल जिक्र करूंगा आज तो मैं घर बचाऊंगा अपना वट एफर्ट आर शुड वी बी मेकिंग तो मैं चाहता हूँ पैराडाइम शिफ्ट अपने जहन में हमारे अंदर होनी चाहिए हेल्थ के मुतालिकिवेंशन जना कोविड के ऊपर माशा आपने एहतियात की बहुत सारे काम किए यू परफॉर्म बेटर वाई डू फॉरगेट दैट दिस इज समथिंग जो आपको ये सिखाती है कि जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन रखें अच्छी रिस्पॉन्स अच्छा रखें डेटा के साथ डिसीशन मेकिंग करें और गरीब का ख्याल करें और अपना स्पिरिचुअल लिंकेज को इस्टेब्लिश रखें तो नतीजा आपके फेवर में ऐसा कि आपके जेनेटिकली डी एन ए के एतबार से वेदर के एतबार से यू आर यू वी आर वेरी क्लोज टू इंडिया बट वहाँ का डेवेस्टेशन और आपका डेवेस्टेशन तो आप कामयाब हुए और ये इंडिकेटर्स एक कौम के लिए काफ़ी हो सकते हैं कि भाई ये अगर हम सही तरह से काम करें तो दिस हैपन्स दिस हैपन डिस्पाइट ऑल द शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान यू कैन से दिस हैपन तो ये तो आपकी रिसेंट विक्ट्री है तो लिहाजा मैं इससे आगे बढ़ता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आ, आ, इस सारे मामले के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है और कोविड में आपने ख्याल किया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आपका गरीब है और कोविड में आपने ख्याल ये किया कि आपने टोटल लॉकडाउन नहीं किया डिस्पाइट इन्फॉर्मेशन कमिंग टू मी आई वॉज ऑल्सो प्रोपोनेंट एट वन स्टेज अबाउट टोटल लॉकडाउन डिस्पाइट दैट इन्फॉर्मेशन जब आपने गरीब का ख्याल किया तो मे भी सारी चीज़ें होलिस्टिक बनती चली गई <coughs> गरीब की कैफियत यह है कि हर चीज़ में सबसे ज़्यादा उस पर असर होता है चाहे वो डिजीज हो कोविड फॉर एग्ज़ाम्पल और एनी डिजीज़ फैक्टर चाहे वो डिज़ास्टर्स हों इस वक्त सैलाब अर्थ को एक सबसे ज़्यादा गरीबी इफ़ेक्ट होता है चाहे मीशत हो सबसे ज़्यादा गरीबी इफेक्ट होता है और आपको ये भी मालूम है कि आईएमएफ तो हमें वो उस्ताद मिलता है जब हम इतनी गलतियां करते हैं कि उसके पास भाग कर जाते हैं कि कोई आ, जो इम्तहान आ रहा है ना उसका सवाल एक बता दें है ना भाग कर उसके पास जाते हैं तो वो कहता है एक सवाल का तो ये है कि तुम्हारी सब्सिडीज टच द इलिट हैं विच इज ट्रू यानी सब्सिडीज नीचे तो आती नहीं कमी आती है ना एक प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है एहसास और बीआईएसपी uh, का दैट सब्सिडी गोज डाउन बट एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा कि उसकी फिक्र करें अच्छा जी अब मैं आ जाऊँ इतना अच्छा थिंक टैंक है तो मैं थिंक टैंक से एक बात की गुजारिश करता हूँ आपने जितनी थिंकिंग की है उसका पाकिस्तान में कहीं कोई असर हुआ बड़ा सीरियस सवाल है आप यह बता दीजिए कि कौन शख्स पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपकी थिंकिंग को देखता है सो so, आप तो एक बड़ी अच्छी चीज आप इंटेलेक्चुअल एक लग्जरी में है कि जी आप थिंकिंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा आप सोल्यूशन दे रहे हैं हाउ मैनी पीपल रीड योर सोल्यूशन इफ नॉट तो ये कैसी इंडस्ट्री है भाई यानी अगर आप कोई मैं दुकान भी खोलूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मैं चीज़ें बनाकर दुकान में रखूंगा तो खरीदने वाला कहाँ लाऊँ कहाँ से लाऊँगा तो लिहाजा लोग अपनी इंडस्ट्री में और कोई बिजनेस के अंदर मार्केटिंग के लिए तीस फीसद रख लेते हैं पैसे कि ये तीस फीसद मैं मार्केट करूँगा अपनी गुड्स को और अगर आपके यहाँ गाहक नहीं है तो देर इज अ मेजर ड्रा कि क्यों नहीं है मेरे ख्याल से उसको भी टच करे तो पाकिस्तान के अंदर आई एम वेरी इंप्रेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ द थिंक टैंक लेट मी टेल यू दैट इन द सेम ब्रेथ बट देन आई फाइंड कि असेंबली में कोई ना आपको पढ़ता है आएगा बुलाएंगे मेरी तरह तकरीर करके चला जाएगा आपकी थिंकिंग से कोई उसको सरोकार नहीं डिसीजन मेकर जो हैं वो आपको सुनेंगे कम ही सुनेंगे क्योंकि ये जो पार्लिमानी सिस्टम है इसकी एक फ्लॉ है जिसको हमें ओवरकम करना चाहिए वो ये कि मैं इलेक्ट इस बात पर होता हूँ कि मैंने कितने गटर साफ करवाए कितने लोगों से हाथ मिलाया किन से मोहब्बत के साथ बात की है? वो उन मोहब्बतों की वजह से मैं इलेक्ट तो हो गया मगर जो स्किल सेट असेंबली डिमांड करती है वो ये कि मैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी मैं असरअंदाज हूँ तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर मैं असरअंदाज होता हूँ तो मुझे ज़रूरत है कि थिंक टैंक्स का मेरे ऊपर असर हो या मेरे ऊपर कंपल्शन हो कि थिंक टैंक्स के साथ मैं रवाबित बढ़ाऊँ तो मैं सिर्फ ये सवालिया निशाना आपके साथ छोड़ कर जा रहा हूँ पिछले चार साल से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी ब्यूरोसी इसको वेलकम भी करे जो आपकी प्रोडक्ट निकलती है मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ॉरन अफेयर्स आपकी प्रोडक्ट को जब इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस पर आप बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स के लोग आपको आपकी बात सुने सिर्फ सुने नहीं बल्कि मैंने मिनिस्टर ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स से बहुत सारों से ये बात की कि दे शुड कमीशन आई टॉपिक्स टू द थिंक टैंक्स कि भाई वी नीड थिंकिंग ऑन दिस प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल दुनिया भर के अंदर थिंक टैंक्स हैं मगर उनके भी असर पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर हैं मगर कम होते हैं यानी पेंटोगान का असर अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर उनकी थिंक टैंक से कहीं ज़्यादा है? है तो मगर पेंटोगान के अंदर भी कोई थिंक टैंक होगा तो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में इन और ऑन एवरी पॉलिसी वी मस्ट है पोजिशन के जिस जिस अंदाज़ से ये लोगों तक भी बात पहुँचे अच्छा जी मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि मैं जब मैं वो हकीम साहब के एतबार से सोचता हूँ तो मैं उस चीज़ को पकड़ना चाहता हूँ कि कहाँ से बात मैं शुरू करूँ तो एक दो तीन नतज पर मैं पहुँचाऊँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक ड्यूरिंग द फोर ईयर्स ऑफ माई फोर एंड हाफ ईयर्स ऑफ माई प्रेग प्रेसिडेंसी प्रेगनेंसी का लफ्ज आ रहा था मुँह में तो मैं उस टॉपिक को भूलूँ नहीं वो मैंने लिखा हुआ यूँ था कि पॉपुलेशन इज़ अ बिग इशू हैं अच्छा और आपको ये बताऊं कि जब मैं प्रेसिडेंसी में गया तो लोगों ने वही ट्रेडिशनल मेथड ऑफ़ एड्रेसिंग पॉपुलेशन मेरे सामने रखा और दो साल मैं वही राग रहा क्या जनाब कि जी मौलवियों को समझाओ मौलवी ऑन बोर्ड होगा तो लोग बच्चे कम पैदा करेंगे तो मैंने भी यही सोचा मैंने मौलवियों को भी बुलाया आई फाउंड एवरीबडी ऑन बोर्ड फिर क्या इशू था फिर ये हुआ कि पता ये चला एंड दिस इज अ अरेका मोमेंट फ्रॉम मी आई क्लेम दैट एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड आल्सो कि सॉल्यूशंस आर देयर फॉर पाकिस्तान टू ग्रास्प हैं बट वी आर नॉट एबल टू ग्रास्प दैट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल मेरिट का ना होना डिसीजन मेकिंग पुअर होना कायद आजम ने जो कहा था ना नेपोटिज्म करप्शन जॉबरी इससे हम नहीं निकले तो नतीजा ये है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको भी हम समझ नहीं पाते और पकड़ नहीं पाते और पकड़ भी लेते हैं तो स्लो होते हैं तो पता ही चला कि नाइन देर आर नाइन मिलियन नब्बे लाख प्रेगनेंसीज इन अ ईयर इन पाकिस्तान और ये सोच लो और इसको लिख लो दिस इज़ अ यूरेका मोमेंट फॉर मी एंड देफो आई वॉन्ट टू शेयर इट नवे लाख प्रेग्नेंसीज पाकिस्तान में होती हैं और यहां हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के जरिए हम कहें औरतें प्रेग्नेंट ना हों या कोई प्रिवेंशन कंट्रसेप्शन इस्तेमाल करें उन नौ लाख प्रेगनेंसीज में से 50% परसेंट वुमेन एंड देयर हजबेंड्स डिड नॉट वांट दैट प्रेगनेंसी 50% परसेंट अच्छा तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिक्स के लिए कोई बड़ा सवाल थोड़ी है ये है कि यार यारचास फीसद तक आपके कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों नहीं पहुंचे एज सिंपल एज दैट यानी दुकान है ग्राहक बाहर खड़े हैं, आपके पास माल नहीं है और आप और ग्राहक को बुला रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल फैक्ट क्या हमारी आउटरीच ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज ओनली अप टू थर्टी सेवन परसेंट थर्टी एट परसेंट बिटवीन प्रोवेंसेस जो सिक्सटी थ्री परसेंट तक आउटरीच नहीं है अगर वो आउटरीच आप पैदा कर दें तो आपका पॉपुलेशन का इशू इंटेलेक्चुअल से हटकर रियलिटी में हैंडल हो जाता है मगर मजा पिछले 20 साल से हम यही कह रहे हैं कि जी मौलवियों को समझाओ ऐसे हर शख्स जो मौलवी साहब से जाकर पूछता है मौलवी साहब बच्चे हम आज पैदा करें इस साल या नहीं करें <laughs> इमेजिन तो ये आ, 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 आपको रियलिटी बता रहा हूं जस्ट बाय मिस प्रोनउंसिएशन आई केम टू दिस पॉइंट अच्छा जी तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ रियलाइज़ की है वो ये रियलाइज की है कि देर इज नॉट एनफ नॉलेज इन द डिसन मेकिंग प्रोसेस नंबर वन एंड देर इज़ स्लो डिसन मेकिंग प्रोसेस ये रियालिटी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया एज अ केस सैम्पल पॉपुलेशन का मैंने आपसे जिक्र किया तो मैं फ़ौन पीछे पड़ा इस बात की कि लॉन्ग एक्टिंग कंट्रसेप्टिज़्स पाकिस्तान में अवेलेबल हों एक लेडी हेल्थ वर्कर्स का वो बढ़ाया जाए उनकी आउटरीच बढ़ाई जाए दो अच्छा इसके अंदर आपको बता दूँ कि आई यू डीज़ समथिंग विच कॉस्ट हंड्रेड रुपीज़ ओनली यूज टू कम फ्रॉम इंडिया एंड ब्राज़ील पाकिस्तान वॉज नॉट मैनुफेक्चरिंग इट अच्छा इंडिया से ताल्लुक़ ख़राब हुए तो वो बंद हो गई ब्राजील से मंगा रहे हैं मैंने कहा हम खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। पता चला कि जो कंपनी इसको हम तैयार करेंगे मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो दे वांट द स्टेट टू गारंटी समथिंग अच्छा इट्स एज सिंपल एज दैट जब आप एनर्जी प्लांट लगाते हैं जो सोल बायर होगा विच इज़ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट से कहते हैं कोई बाय बैक गारंटी दो सिंपल ना ये मार्केट में तो नहीं वो आ रहा वो तो गवर्नमेंट को सप्लाई करने के लिए आ रहा है सो so, कोई बाई बैक गारंटी तुम कर लो कि भाई फिफ्टी परसेंट प्रोडक्ट तुम्हारी खरीदेंगे अच्छा वो फ़ाइल जो है वो दो साल से घूम रहा है ये फ़ाइल घूमने वाली चीज़ को अगर आपने पकड़ लिया तो पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो जाते हैं वाकई हैं द डिलेड डिसशन मेकिंग इज़ यानी पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्टिव कैफियत है और अगर आप यहाँ पर साइंसदान हैं फिज़िक्स के साइंटिस्ट भी यहाँ मौजूद होंगे आपको एक डिलेड डिसीजन मेकिंग की बात बता दूं विच इज़ अ लिटिल टेक्निकल वो ये कि मैं बहुत दिनों से इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान के पास इतनी इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है आई नॉट इवन टॉक्ट अबाउट एजुकेशन बट लेट मी गिव यू दो फिगर्स फर्स्ट देन टू कम टू दिस पॉइंट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का आपसे ज़िक्र हो गया दूसरे एक और हमने uh, uh, पिरामिड बड़ा नैरो किया हुआ है यानी हमारा पाकिस्तान की सर्विसेज का पिरामिड ये होने के बजाय हमने इसको नहरू किया तो आपने दो करोड़ बीस लाख बच्चों को वैसे ही निकाल दिया एक्सपेराम से अच्छा फिर जो बच्चे मैट्रिक तक पहुँचे उसका और एफ तक पहुँचे उसके बाद द रीजनल फिगर्स शुड शेक योर माइंड रीजनल फिगर्स ये हैं कि नौ फीसद एफ एस सी पास स्टूडेंट्स लाइक यू आर आउट ऑफ दैट नाइन परसेंट लाइक मी गेट एडमिशन इन इन हायर एजुकेशन नाइन परसेंट ओनली

मगर यह तो नहीं हो सकता कि आप जिसका मुकाबला कर रहे हैं एंड अनदर फिगर अबाउट थर्टी फाइव थाउजेंड आई टी ग्रेजुएट इन पाकिस्तान यू नो इन इंडिया आई टी रिलेटेड प्योर आई टी के अंदर आठ लाख ग्रेजुएट्स होते हैं एवरी ईयर और आई टी रिलेटेड मिला लें तो सोलह लाख ग्रेजुएट्स हाउ कैन यू कंपीट इसी वजह से रिसेंटली आई वॉज कमिंग ईयर आई ऑज टॉकिंग टू माई एम एस जी मैंने अभी एक इकानमिस्ट का रिसाला आया जिसके अंदर वो उसके ऊपर बर्गर बना हुआ है ओबेसिटी है उसको मैं अभी यहाँ पर कराची आ रहा था तो रास्ते में पढ़ रहा था देवर नाइन आर्टिकल्स प्रेजिंग इंडिया एंड इंडियंस ऋषि सुनाक की प्रेस थी वो जो वर्ल्ड बैंक का हेड बनाया उसकी प्रेस थी इंडिया की बाय सेल्फ प्रेस थी एक आदमी जिसने बड़ा काम किया सॉफ्टवेयर के अंदर वो अमेरिका में अब कैंडिडेट बनना चाहता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उसका नाम था है? सब इंडिया की नौ जगहों पर अच्छा उसके बाद बांग्लादेश की तारीफ थी कि बांग्लादेश के प्रॉब्लम भी हैं मगर जो तरक्की बांग्लादेश ने की है पर जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश का इंडिया से ज़्यादा है बांग्लादेश वो बास्केट केस था उसके अंदर पाकिस्तान का नाम आ गया बुराई के एतबार से किसी इकहत्तर में पाकिस्तानियों ने ये किया ये किया ठीक है नौ आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे हैं ये उसकी ट्यूनिशा का जिक्र था कि जी वहां पर जो जमहूरीत का गला घोंटा जा रहा है मुसलमान मुल्क भी थे मगर इस तरह से थे कि ट्यूनिशिया की जो तारीफ थी वो ऐसी थी जो हमारे लिए बदनामी का बायस बने तो लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूं इस वक्त दुनिया उधर देखती है जहां दिमाग है जहां काम हो रहा है एंड मैं आपसे ये कहता हूं कि द इजिएस्ट एंड द फास्टेस्ट ट्रैक इज़ इज़ आईटी तेज़ ट्रेन जा रही है इसमें सवार हो जाओ उसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि क्या होता है डिसशन मेकिंग से स्लो डिसशन मेकिंग और नो डिसन मेकिंग तो कुछ अरसे से मैं इसमें बड़ा इम्प्रेस था कि uh, इस वक्त दुनिया को जितनी एआई की ज़रूरत है भाई साहब आपने जिक्र किया इस बात का जितनी ए की जरूरत है इतने लोग नहीं हैं इवन इन साइबर सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द वर्ड साइबर डिफेंस एंड साइबर ऑफेंस कैन बी एज स्मार्ट एंड एज गुड एज योर न्यूक्लियर डिटेरेंट ठीक एंड मच लेस कॉस्टली बट दैट्स अ सेपरेट टोटली सेपरेट स्पीच आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स मच लेस कॉस्टली बट दैट इज़ वाट इज नीडिड क्योंकि न्यूक्लियर डिटेरेंस है ज़रूर बट यू नीड अदर काइंड ऑफ डिटरेंस तो मैंने जब ये सोचा कि भाई लोगों की दुनिया के अंदर इस वक्त डू नो हाउ मैनी फॉर दोज ऑफ यू हु नीड दिस इंफॉर्मेशन बाई द यर ट्वेंटी थर्टी देर विल बी टू हंड्रेड बिलियन इंटरनेट ऑफ थिंक डिवाइस इन एवरी हाउस एससेट्रा टू हंड्रेड बिलियन जिसमें से हर इंसान के साथ 20 डिवाइसेस होंगे दुनिया इस तेजी से तरक्की कर रही है उसकी एनालिसिस फॉर ऑफ यू आर डॉक्टर्स एंड जेनेटिक रिसर्चर्स इस फर्स्ट जेनेटिक कोड डिसिफरिंग वॉज डन एट अवज कॉस्ट ऑफ मिलियंस एंड टू थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर्स अब ये सौ डॉलर में होता है और अब जो चैट जी पी टी थ्री और चैट जी पी टी फोर से वाकिफ़ हैं देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स मैंने अपनी रिसर्च की थी फाइव वेरिएबल्स को एनालाइज़ किया था और मुझे छः महीने लगे थे इस वक्त चैट जी पी ने कॉमन क्रॉलर के थ्रू जो आ, चीज़ें जमा की और उसके वेरिएबल्स को जिनको देखते हैं दोज़ आर बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स दे लुक टाइट एट द सेम टाइम तो लिहाजा अगर डी सब इंसानों का डी किसी पूल में जाए तो इमेजिन करो मेडिकल बेनिफिट्स का कितना बड़ा इम्कान है एंड वेर इज़ पाकिस्तान अगेन इज़ नो वे तो लिहाजा मैंने ये किया मैंने ये सोचा वन बिल गेट्स केम टू पाकिस्तान तो हमने और उसने ये बात की आई वॉज टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रिक बायोम कि गैस्ट्रिक बायोम के अंदर रिसर्च हो लॉन्जेविटी के हिसाब से हवाले से बहुत मशहूर है एंड देन आई मैंशन टू हिम कि इस वक्त दुनिया में डेटा इतना है कि दुनिया के सुपर कम्प्यूटर्स उसको एनालाइज़ नहीं कर सकते ना एनालिस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स जिसकी आपसे उम्मीद है फिफ्थ बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड से उम्मीद है कि ह्यूमन रिसोर्स वो पैदा करेगा तो मैंने आई लुकड एट क्वान्टम कम्प्यूटिंग एज वन सोर्स जहाँ पर ये कंप्यूटिंग होगी तो साइकोमोर uh, चिप था गूगल का पहला क्वांटम कम्प्यूटर uh, जो था 52 टू क्यूबिट का था तो उसके बाद जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द बिग मिस्टेक पाकिस्तान मेड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड तो एवरी क्यूबिट एनहांसमेंट इन द कोटम कम्प्यूटर इज़ डबलिंग द कैपेसिटी उसके बाद एक सौ उन्नीस क्यूबिट क्यूबिट का कंप्यूटर आया तो मैंने Uh, ये तय किया कि जनाब पाकिस्तान की क्वांटम फिजिस जो बाहर हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा वाले उनको उनकी एक बॉडी बनाई जाए क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आ रही है यानी पहला जो गूगल का कंप्यूटर था उसमें उन्होंने कहा कि वी एनालाइज अ प्रॉब्लम विच वुड हैव टेकन ऑल सुपर कंप्यूटर्स मोर देन टेन थाउजेंड ईयर्स टू एनालाइज जो हमने 200 सेकंड में किया आर यू अवेयर सर ऑल ऑफ यू आर यू अवेयर ऑफ़ दैट क्वांटम कंप्यूटर जो पहला था अच्छा एवरी क्यूबिट इन्हांस इट तो पिछले दिनों अच्छा मैंने तीन साल पहले कहा कि जी हम अपना क्वांटम ग्रुप बनाए बनाए ताकि पाकिस्तानी इसका इन तो होना शुरू हो एंड दिस ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आई आई रीड के एक कंपनी है आ, नाम बोल रहा हूँ कैनेडियन उसने दो क्यूबिट का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर बना लिया अच्छा और उसने भी यही क्लेम किया कि जो उसने 300 हंड्रेड सेकेंड में किया था ये माइक्रो सेकेंड में हमने कर लिया मगर हुआ क्या उस कंपनी का मैंने खबर पढ़ी कि देवर थ्री इंडियन साइंटिस्ट जो आईआईटी ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे तुम अपने साथ मिला लो हमारी ख्वाहिश थी दो तीन साल पहले हमारे यहाँ फाइल घूम रहा है और इंडियंस टुक दैट स्टेप एंड देवर पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग तो जनाब जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पुअर डिसशन मेकिंग स्लो डिसन मेकिंग इज़ द फैक्ट जो हकीम साहब पूछते थे ना हाज़मा सही है जिस मुल्क का हाजमा गड़बड़ हो इस माना करके उस मुल्क के अंदर यू हैव टू करेक्ट दो सिस्टम्स और मैं ये समझता हूँ द लास्ट मैसेज बिफोर आई क्लोज अप बिकॉज आई रन आउट ऑफ आइडियाज आइडियाज भी कितने हो सकते हैं हैं द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ के इसके लिए द सिस्टम्स के अंदर जमहोरियत बड़ी ज़रूरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द मैसेज दला आई एम गिविंग अ पोलटिकल मैसेज वाई एम गिविंग अ पोलिटिकल मैसेज बिकॉज इट इज द पोलिटिशन चेंज दिस कंट्री और ये लोग आप माशा यू हर द इंटलेक्ट और अगर आप ये लोग कहें कि बैठ कर यहाँ पर कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं फिर किसका होगा कौन चेंज करेगा मुल्क को आप ट्रेन के अंदर ये सारी गुफ्तु करते रहें और ट्रेन का ड्राइवर उसको क्रैश कर दे वॉट वैल्यू इज दैट डिस्कशन इन साइड द ट्रेन सो लिहाजा ओन इट फॉर दिस टाइम इफ यूर इफ दिस हॉल इज अंडर फायर आग लग रही हो उसमें और मैं कहूं कि जी मैं तो यहां तकरीर करने आया था लेट मी रन अवे कांट हैपन किश्ती डूब रही हो और मैं कहूं जी मैं तो किश्ती में सवारी करने आया था मैं तो इस बात का जिम्मेदारी नहीं लेता हूं कि किश्ती से पानी निकालू तो लिहाजा आपसे बात करने का आज मेरा मकसद सिर्फ यह है आई वॉन्ट यू लेडीज एंड जेंटमैन दिस कंट्री कैन बी चेंज आई वॉन्ट यू टू ऑन डैट चेंज अपने इंटेलेक्चुअल इनपुट वॉट एवर इनपुट बट बी पॉलिटिशंस क्योंकि यहाँ जमहूरियत का रहना जरूरी है आप ये देखिए कि जब जिस मुल्क से जमहूरीत निकलती है तो एक बड़े बड़े सेटबैक्स होते हैं कैन यू इमेजन आई कॉन्ट सी द नेम ऑफ सम कंट्रीज जहाँ जमहूरियत एलेक्शन पोस्टपोन हुआ और फिर वो दस साल पंद्रह साल से मुसलमान ममालिक वॉट इज़ द फर तो लिहाजा मैं आपसे कहता हूँ स्टैंड अप फॉर द राइट ऑफ द पीपल स्टैंड अप दिस इज अटिकल मोमेंट डिस्पाइट वॉट यू आर डिस्कसिंगयर दिस इज असेंशियल बट एट द सेम टाइम जब आग लगे तो आग बुझाएं और गरीब के ऊपर छोड़ देना इस बात को कि लोग गलत से ऐसी फैसले कर लेते हैं गलत वोट देते हैं तो ये तो बड़ी इंटेक्चुअल स्केप हो गया ना आपका आपके पास अल्लाह ने अमानत ज़्यादा दी है बोथ इन वेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल वेल्थ

हैं एंड द फिफ्थ बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जहाँ से मैं ये होप करता था कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप आएगी दुनिया की तो वो परेशान है फाइनेंशियली परेशान है इकनॉमिकली परेशान है तो इट डज नॉट रिक्वायर एन आइंस्टाइन टू गिव यू द वे वो रास्ता जो है ना वो मेरे और आपके दिलों में मौजूद है वो दिमाग और जेब के तरफ जब आप थिंकिंग भेज देते हैं ना तो दिल की तरफ से जब थिंकिंग निकलती है तो वो कॉम्प्रिहेंसिव, टोटल कैफियत नहीं होती वो आइसोलेटेड कैफियत रहती है तो एक होलिस्टिक मुसलमान की सोच के एतबार से माई होप्स लेडीज़ एंड विद यू। थैंक यू अलैक